हाय गाइस, मेरा नाम है अंकुर और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं काफ़ी पॉपुलर टॉपिक के ऊपर कि क्या गंजा होने से, अपने बाल पूरे शेव करने से आपके बाल जल्दी ग्रो होते हैं, थिक ग्रो होते हैं। इस टॉपिक पे बात करेंगे आज के वीडियो में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। भाई, 1,00,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उम्मीद करूँगा कि उन्हें अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। वापस गाइस, बात करते हैं कि क्या गंजा होने से आपके बाल जल्दी ग्रो होते हैं, थिक ग्रो होते हैं। और भाई, जब भी मैं ये वर्ड सुनता हूँ गंजा होना, तब मेरे दिमाग में काफ़ी पॉपुलर यूट्यूबर की वीडियो दिमाग में आती है, जिन्होंने कहा था कि आप पहले लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट करें कि मुझे आपके बाल बहुत पसंद है, फिर लड़कियों को कहें कि मुझे गंजी लड़कियां बहुत पसंद है। अगर आप लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं उससे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दोस्तों, मैं किसी के बारे में कोई गलत कमेंट नहीं करना चाहता, बस एक बात कहूंगा कि जब तक इतना बढ़िया कंटेंट है यूट्यूब पे, तब तक हमें टिकटॉक की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि सारा मजा टिकटॉक का यूट्यूब पे याद रहेगा। एनीवेज गाइस, वापस टॉपिक पे आते हैं। गाइस, जो आपकी हेयर ग्रोथ होती है, बालों की ग्रोथ होती है, वो डिपेंड करती है हेयर फॉलिकल पे, और वो बाल कटवाने से या बाल मुंडवाने से, गंजा होने से इफेक्ट नहीं होती। तो गाइस, ये एक काफ़ी बड़ा मिथ है कि बाल मुंडवाने से या गंजा होने से आपके बाल जल्दी ग्रो होते हैं। और गाइस, इस मिथ का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जिन लोगों के बाल छोटे होते हैं, अक्सर उनको अपने बाल थिक लगते हैं, या जो लोग रिसेंटली गंजे हुए हैं उनके जब बाल वापस रीग्रो होते हैं तो वो ज़्यादातर थिक ग्रो होते हैं। और गाइस, उसका रीज़न आपको समझना पड़ेगा। गाइस, हमारे स्कैल्प की आउटर मोस्ट लेयर या स्किन के अराउंड जो बाल होते हैं वो थिक होते हैं, उनका डायमीटर ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हमारे बाल ग्रो होते हैं वो थिन होने लग जाते हैं, मतलब पतले होने लग जाते हैं। मतलब जब हमारे बाल लंबे होते हैं तो वो ऊपर से तो थिन होते हैं बट नीचे से फिर भी थिक होते हैं। इसलिए जब भी हम अपने हाथ बालों में फेरते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि हमारे बाल थिन हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, और जब हमारे बाल छोटे होते हैं इसलिए हमें ये एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि हमारे बाल थिक हैं। बट गाइस, तब भी हमारे बाल झड़ रहे होते हैं, बट छोटे बालों का झड़ना नोटिस करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमें लगता है कि जब हमारे बाल छोटे हैं तो वो हेल्दी हैं, हमारे बाल गिर नहीं रहे, और जब हमारे बाल लंबे हैं तो वो गिर रहे हैं, पतले हो रहे हैं। बट गाइस, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। तो गाइस, गंजा होने से या छोटे बाल रखने से ना तो आपके बाल जल्दी ग्रो होते हैं और ना ही हेयर फॉल या हेयर लॉस रुकता है। गाइस, हमारी बालों की ग्रोथ डिपेंड करती है हेयर फॉलिकल्स पे, और हेयर फॉलिकल्स होते हैं स्किन के अंदर, वो छोटे बाल रखने से या बाल कटवाने से बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होते। बट गाइस, कुछ लोगों को फ़ायदा हो सकता है गंजा होने से या अपने बाल पूरे शेव करने से, स्पेशली उन लोगों को जिनको डैंड्रफ की काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है, या वो लोग जिनको कोई इन्फेक्शन हो चुका है उनके सर पे, और इसके अलावा वो लोग जिनके बाल काफ़ी डैमेज हो चुके हैं हेयर प्रोडक्ट्स की वजह से, डर्ट की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, या काफ़ी ज़्यादा हेयर ड्रायर के यूज़ की वजह से, अगर उनके बाल डैमेज हो चुके हैं तो उनको भी फायदा हो सकता है गंजा होने का। क्योंकि गाइस, जो आपके नए बाल आएंगे वो ऑब्वियसली हेल्दी होंगे, तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपने बालों का सही तरह ध्यान रखें। और इसके अलावा जब आपके बाल छोटे होते हैं या जब आप गंजे होते हैं, तब स्कैल्प मसाज करने में या मालिश करने में थोड़ी आसानी होती है, जो भी काफ़ी हेल्दी चीज़ है हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। तो गाइस, ये एक बेनिफिट है छोटे बाल रखने का या गंजा होने का, जिससे आपके बाल हो सकता है जल्दी ग्रो हो, बट डायरेक्टली कोई भी कोरिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप गंजे हो जाएंगे तो आपके बाल जल्दी ग्रो होंगे या हेयर फॉल हेयर लॉस रुक जाएगा, नहीं, आपके बाल सेम रेट पे ग्रो होंगे और ना हेयर फॉल रुकेगा। गाइस, हमारा हेयर फॉल डिपेंड करता है काफ़ी फैक्टर्स पे, लाइक स्ट्रेस, DHT, पुअर ब्लड फ्लो, पुअर न्यूट्रिशन। गाइस, इन सभी फैक्टर्स पे और इनके सॉल्यूशन पे मैंने रिसेंटली एक वीडियो में बात करी थी, उस वीडियो को आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बारी, टेक केयर।